लड़के सभी अच्छे होते हैं, उनमें कोई भी बुराई नहीं होती। मैं मानती हूँ कि एक लड़की की वजह से आपका दिल टूट गया, लेकिन इस वजह से सभी लड़कियों को धोखेबाज का कहना सही होगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं, कौन है, नाम क्या है, पर जो भी हो, उसकी बातों ने काफी असर किए मुझ पे। इनफैक्ट अगर आज मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ तो वो भी उस रॉन्ग नंबर की वजह से ही। कम से कम उसे थैंक्स तो कहना ही चाहिए मुझे। हेलो, देखिए मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ जिससे कल मैंने बात की थी। क्या, किससे बात करनी है, नाम क्या है उसका? जी वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैंने उन्हें फोन किया। देखिए आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। ये तो कोई बदमाश मवाली टाइप लगता है। सॉरी मुझे नहीं पता। देखिए एक मिनट, कम से कम ये तो बता दीजिए कि ये जगह कौन सी है। क्यों, मैं क्यों बताऊं? और तुम जैसे लड़कों को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और सुनो, दोबारा यहाँ फोन करने की हिम्मत भी मत करना, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? लगता है उस अजनबी दोस्त तक पहुँचते पहुँचते काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा मुझे। नमस्ते भाभी जी। हाय। मालती तुम यहाँ कैसे, क्या कर रही हो? अरे तुम हमेशा मुझे देख के चौंक क्यों जाते हो? मैंने सोचा था कि आज रात का खाना ना हम कहीं बाहर खाएंगे, किसी अच्छे से होटल में। वो होता ना वो पांच सितारों वाला होटल, तुम्हारे दिमाग में ये उल जरूर ख्याल आते कहाँ से है? होटल में खाना खाने के बारे में हम सोच भी कैसे सकते हैं? वैसे भी माँ बाबू मेरे रत्ती तोते, मैं माँ बाबू जी के लिए खाना बना के आई हूँ। अरे जब खाना बनाया है तो हम वही खा लेंगे ना, इतना बाहर पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम भी ना कमाल करते हो। अरे पैसा कमाओगे लेकिन खर्चोगे नहीं, क्या फायदा है इसी कमाई का? अरे झूठ तो मैं बोलती नहीं, 100 का नोट जाएगा तभी तो 1000 का नोट आएगा। जी अब तो तुम मैनेजर बन गए हो, इंसान को अपने रुतबे के मुताबिक चलना चाहिए जिंदगी में। हाँ और क्या कह रहा था, उस लड़की से बात कराइए। अरे हाँ, ऐसी झाड़ लगाई है कि दोबारा याद रखेगा बच्चे। अरे अरे रागिनी, तुम्हारे रॉन्ग नंबर का फिर से फोन आया था तुमसे बात करने के लिए। बच के रहना, कहीं रॉन्ग नंबर सही ना हो जाए। अरे अब किसका फोन आया? लगीशन उसी का होगा। नहीं नहीं अब मेरा मतलब है किसी और का होगा। इस बार मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, देखिए मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ जिससे कल मैंने बात की थी। वही रॉन्ग नंबर। देखिए आपको यहाँ बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है, आपने माफी मांग ली, मैंने आपको माफ कर दिया, बस बात यहीं पे खत्म हो गई। भगवान के लिए दोबारा यहाँ कॉल मत कीजिएगा। I'm so sorry, मुझे माफ कर दीजिए।
विनू की बहू खाना नहीं बना के गई। अरे कौशल, कौशल है जी, कौशल है जी, मेरा खाना निकाल दीजिए। याद है कौशल्या जी, शुरू शुरू में जब हमारी नई नई शादी हुई थी, मैं यूं ही रसोई में घुस आता था और आप मुझे गर्मा गर्म खाना परोस कर देती थी। आज भी यही रसोई में खाने का मन कर रहा है। लगी ना मेरी थाली कहाँ है? कौशल्या जी बहुत जोरों के भूख लगी है, लगी ना मेरी थाली? खाना तो सारा ठंडा हो गया जी, मैं आपके लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ, तब तक आप कुछ और खा लीजिए। ये लीजिए, आप इसे खा लीजिए, मैं अभी गरम खाना बना देती हूँ। शाही पनीर तो बहुत ही टेस्टी है। ओहो, तुम क्या उस रेट लिस्ट में घुस गए हो? छोड़ो उसे और खाना खाओ। जी, ये अनानास का रायता कितना टेस्टी है। ओहो, छोड़ो इस रेट लिस्ट को, खाना खाओ ना। पता है, मुझे ना लगता है कि हमें हफ्ते में एक बार ना बाहर खाना खाने जरूर आना चाहिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, सब बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, अरे बड़े लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि आज खूब खर्चा हो गया। अरे कितना महंगा है, अरे जितने का ये शाही पनीर और मिक्स वेज है उतने में तो पूरे घर का महीने भर का राशन आ जाता है। तुम तो दीवाना निकलवाओगी मेरा। ओहो मेरे कंजूस पति देव, इतना पैसा कमाते हो, थोड़ा सा अपनी बीवी पर खर्च कर ले तो तुम्हारा क्या जाएगा? और अब तो तुम्हारा रोज बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा, जरा उनका वो अपनाओ ना। वो क्या मारते हैं उसे, स्टाइल, स्टाइल मारते ना, वो स्टाइल अपना उनका बना रहा, गवार बुद्धू राम खिलाओगे? हाँ क्या हुआ? मैं सोच रहा था कि अगर माँ बाबूजी और रागिनी भी आते तो कितना अच्छा होता, कितना एंजॉय करते ना वो लोग। बहुत एंजॉय करते, तब तुम्हारा खर्चा नहीं पड़ता। खाना खाओ। चलिए जी शुरू कीजिए, वरना फिर से ठंडा हो जाएगा खाना। मैं सब समझ रहा हूँ कौशल्या जी, बहू खाना बनाकर नहीं गई ना, है ना? और आप मुझसे छिपा रही हैं? मैं क्या कहूं कौशल्या जी, आज तक आपके लिए कोई ऐशो आराम नहीं जुटा पाया, और ऊपर से ये तकलीफ है। नहीं जी, तकलीफ कैसी, मैं तो खुद आपके लिए खाना बनाना चाहती थी। अब देखिए ना, मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाई है, खाकर बताइए तो सही कैसी बनी। अरे रागनी बेटा, अच्छा तू भी खाना खा ले। कौशल्या जी, मैं ये भी जानता हूं कि
कि आपने रागनी की स्कूल के फीस के पैसे वो भी बहू से लेकर दिए। मुझे बहुत गलत लगता है लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। नहीं जी, वीनू ने तो खुद कहा था कि बहू से पैसे ले लो। हाँ बाऊजी, भैया ने ही कहा था। समझ में नहीं आता कि अचानक बहू को हो क्या गया। जब से वीनू की कमाई शुरू हुई है इनके तेवर ही बदल गए। कुछ भी नहीं हुआ है जी, जवान बच्चे हैं, खाना पीना घूमना फिरना इस उम्र में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और वीरू की बहू इतनी बुरी नहीं है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हाँ बाऊजी, वैसे भी भाभी हम सबका बहुत ख्याल रखती है, है ना? आप टेंशन मत लीजिए बाऊजी। जल्दी से आले के पास चलते हैं, मैं भाभी को बुला कर लाता हूं। चले जाओ भाभी, अब चले आइए।
प्लीज। अच्छा बेटा उठो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। नहीं हम कुछ नहीं होने देंगे हमारे बेटे को, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। छोटी माँ यहीं पर है, छोटी माँ यहीं पर है। बैठो बैठो, हम कहीं पर नहीं जाए, हम तुम्हारे पास हैं। छोटी माँ यहीं पर, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। तुम क्या जासूसी कर रही हो आजकल? तुम्हें पता है कि हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम बस आले का ध्यान रखो और एक अच्छी पत्नी बनो। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।